राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट को कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई मैसेज ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इशूज जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। आप अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहें, कुंडली दिखाना चाहें तो भी आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ड्रीम डिकोड कराना चाहें, आपको खास तरीके के ड्रीम आते हैं और आप नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या मीनिंग है और उस अब लगता है कि कोई मीनिंग है, तो फिर आप ड्रीम डिकोडिंग के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटीज चार्जेबल हैं। आपको नीड हो और आपको ट्रस्ट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं तीनों डेक शफल करके रखती हूँ। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड दूंगी और उससे पहले आप अपने यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले। तो यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ मुझे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी बताइए, उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग बताइए। व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं, व्यूअर्स जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ उनके बारे में मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, द स्टार एंड एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स द मून से क्लैरिफाई हुआ है एंड बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ कप्स। चलिए मैं एनर्जी एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आपको अभी आपको कार्ड शो कर रही हूँ सारे आपके पर्सन के लिए। फर्स्ट कार्ड द स्टार, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफिकेशन द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ कप्स। आपके पर्सन जब तक आप जिंदगी में रहे तब तक उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहा, ये बात वो फील करते हैं। आपने उनके लिए जो कुछ पूजा पाठ की है वो उन्हें मिली है, मतलब उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, इस बात का उनको एहसास है। और वो आज भी अपनी दुआओं में, अपनी अपनी चाहतों में प्रायोरिटी में आप ही हो। अपनी दुआओं में आज भी वो आपको ही मांगते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर मेरा प्यार मुझे लौटा दो। कहीं ना कहीं इन्हें ये एहसास है कि ये आपके लिए वो नहीं कर पाए जो ये करना चाहते थे। हकीकत में ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे पर ये कर नहीं पाए। सिचुएशन चाहे जैसी रही हो या फिर वक्त ज़्यादा लग गया, आप इंतज़ार करते करते थक गए, तो हो सकता है आपने इनसे थोड़ी दूरी बना ली हो। आपने सोचा हो कि आखिर कितना इंतज़ार किया जाए, क्या ज़िंदगी इंतज़ार में ही जानी है? अगर इंतज़ार में जानी है तो बेटर होगा कि बैठ के अकेले अपनी चार दीवारी में इंतज़ार किया जाए। किसी के पीछे भी भागना है और इंतज़ार भी नसीब में है तो ऐसे भागने से क्या फ़ायदा है? बेटर होगा इंतज़ार ही करना है तो बैठ के कहीं किया जाए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में आप आए होंगे। आपने इनको, आप इनसे मूव ऑन तो नहीं हुए लेकिन हाँ, इनको चेज़ करना ये बंद किया तो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया और इसी वजह से आप इस एनर्जी में चले गए हो। तो इस बात से ये बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत परेशान है ये, बहुत दुखी हो रहे हैं ये। इसलिए दुखी हैं कि इतना वक्त इन्होंने क्यों लगा दिया, इतना वक्त इन्हें नहीं लगाना चाहिए था। अपने आप को कोस रहे हैं ये, अपने आप को ही गलत कह रहे हैं कि इन्होंने, इनकी गलतियों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, इन्होंने ही आपको समझने में गलती की। आखिर अब ये खुद को आपकी जगह पर रख पाते हैं, ये खुद को आपकी जगह रख के ये सोचते हैं कि अगर आपने इनसे इतना इंतज़ार करवाया होता तो आप तो ये क्या करते। आपने फिर भी पेशेंस रखा, आपने फिर भी इनको कुछ गलत नहीं कहा, आपने फिर भी सिर्फ चेज़ करना बंद किया लेकिन किसी और की लाइफ में किसी और को एंट्री नहीं दी। ये बात ये महसूस कर पाते हैं, इन्हें एहसास है कि आप पसंद इन्हीं को करते हो। लेकिन अगर यही सब कुछ जो कुछ आपके साथ हुआ है, यही सब कुछ इनके साथ होता आपके, तो तब ये क्या करते? क्या तब ये वो सब कुछ कर पाते जो आपने किया है इनके लिए? ये सारी बातें सोच के ये बहुत रिग्रेट की एनर्जी में जाते हैं, बहुत इन्हें पछतावा होता है, ये अपने आप को दोष देने लगते हैं और इन्हें अपने आप पर गुस्सा भी आने लगता है। इन्हें लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं इस काबिल था, मैं इस काबिल थी कि इस रिश्ते को संभाल सकता था, संभाल सकती थी, क्यों मैंने अपने ईगो में आके इस रिश्ते को
ख़राब होने दिया, क्यों मुझसे ये गलती हो गई। इस रिग्रेट की एनर्जी में आपके पर्सन जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी इन्हें इन्हें और क्या इन्हें इन्हें होप नहीं रही, कहीं ना कहीं ये होपलेस होते हुए मुझे फील हो रहे हैं कि इनकी उम्मीद ख़त्म हो रही है। देखिए फाइव ऑफ कप्स का मैंने क्लैरिफिकेशन लिया तो उसका क्लैरिफिकेशन भी एट ऑफ कप्स आया है। इन्होंने दुनिया के प्यार से मूव ऑन किया है, दुनिया का प्यार मतलब इन्हें आप दुनिया से किसी और से प्यार नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए तो आपका ही प्यार, और आप इन्हें लग रहा है कि शायद अब इनके नसीब में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे होपलेस होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सच में इसी पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो टेलीपैथी से इनसे कहिए कि मैं आज भी तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुम्हें रियलाइज़ हुआ, तुम्हें मेरी वैल्यू समझ में आई, बस मुझे इतना ही चाहिए था, तुम्हें वैल्यू समझ में आ गई और मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ करती हूँ। इस तरीके की बातें टेलीपैथी से इनको बोलिए, यूनिवर्स से कहिए कि ईश्वर मेरा मैसेज मेरे पर्सन तक पहुँचाइए, मेरे पर्सन को मेरी ज़िंदगी में वापस लाइए। वो रिग्रेट की एनर्जी में उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी गलतियों की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है और इस वजह से वो अब ज़िंदगी में प्यार चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि किसी और का प्यार उनको चाहिए नहीं, आप मिल नहीं रहे, इसलिए वो जा रहे हैं अपने सोल की ग्रोथ की ओर। सोल की ग्रोथ यानी सोल की ग्रोथ की ओर जाना तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो आपकी तरफ अफर डालते हुए फील नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि होपलेस हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि अब आप मानोगे नहीं। तो उन्हें इस एनर्जी से निकालने के लिए उन्हें टेलीपैथी से मैसेज भेजिए कि तुम्हें सिर्फ लर्निंग देने के लिए डिवाइन का ये प्लान था, ये प्लान मैंने नहीं किया था, मेरे द्वारा जो कुछ भी हुआ वो डिवाइन का ही प्लान था, आपको लर्निंग देने के लिए, हम दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए, इस वजह से ये डिवाइन का प्लान था। मैं आज भी आपको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मैं आज भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ कर रहा हूँ। उन्हें लव ऑफ़र कीजिए टेलीपैथी से और उन्हें वापस ले आई है, क्योंकि ये बस हताश निराश हो गए क्योंकि आप मानोगे नहीं, ये सोच के ये जा रहे हैं कि आप इन्होंने इतनी देर कर दी, इतना वक्त लगा दिया है कि कैसे मानोगे, अगर आपकी जगह ये होते तो ये नहीं मानते। इस वजह से ये कुछ ऐसी जगह ऐसे काम करने जा रहे हैं कि जहाँ पे ये इमोशनल ना हो, बस ये भगवान से बातें करें या जो काम करें उस काम को करें, ये सब एक हो सकता है ये वो प्लेस भी चेंज कर दें जिस प्लेस पे आपसे इनकी बहुत यादें जुड़ी हों, क्योंकि ये उस जगह रह नहीं सकते, ये उस जगह जी नहीं पाएंगे क्योंकि आप बहुत याद आओगे। तो इन्हें उस एनर्जी से आपको निकालना होगा, इन्हें टेलीपैथी से मैसेज दीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि ईश्वर इनको सही रास्ता दिखाइए, इन्हें मेरी तरफ ले आइए, ये भले ही और ये आपसे नाराज होकर नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ हताश होकर जा रहे हैं कि आप मानोगे नहीं क्योंकि इनसे ऐसी गलतियाँ हो गई हैं। तो आपको अपने पर्सन की एनर्जी संभालनी है। अब मूनोलॉजी से और देख लेती हूँ, मूनोलॉजी से एनर्जी है यहाँ पे योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, ये अब आपको आपकी तपस्या का फल देना चाहता है, तपस्या का मीनिंग आपने इस रिश्ते में जितने एफर्ट डाले हैं उसका फल ये देना चाहते हैं, उसका रिवॉर्ड आपको देना चाहते हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा ये करना चाहते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉन लिखा हुआ है, आप में से कोई भी कैप्रिकॉन है तो उनके लिए ज़रूर ये मैसेज है, जनरल रीडिंग है, मैसेज सबके लिए है लेकिन कैप्रिकॉन स्पेशली आपके लिए भी हो सकता है। ये होल्ड योर विज़न, अब एक इनके मन में ये उम्मीद तो है कि आप अपने सपनों को पूरा करें, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो आपके सपने पूरे नहीं कर पाए, आपने जो सपने देखे थे आप में, ये आपको कहीं ना कहीं अपने से बेहतर मान रहे हैं कि आप में वो क्षमताएं हैं जो आप अपने सपने पूरा कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में इनसे बेटर कोई आ जाए तो अच्छा है। ऐसी मुझे इनकी एनर्जी फील हो रही है कि ये तो आपको खुशियाँ नहीं दे पाए, कोई ऐसा आ जाए जो आपको आपकी हर विश पूरी करे। ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन, देखिए ये कार्ड भी वही कह रहा है कि ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन, कि तुम जिस दर्द से गुजरे हो वो दर्द ख़त्म हो जाए और कोई पर्सन आए जो आपको आपको हील करे, आपको प्यार दे। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि ये तो आपके प्यार के लायक नहीं। बॉटम ऑफ द डेक में द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यही एनर्जी में ये चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एनर्जी में चेंज लाने की ओर गए, ये खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ओर जा रहे हैं कि आपके क्योंकि एट ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कह रहा था कि जैसे आपको चाहिए उस तरीके का ये चेंज होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। और उस दौरान जो ये वक्त लग रहा है इनको अपने आप को चेंज करने में, उस दौरान अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आता है तो ये उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। इन्हें ये एहसास है कि ये तो आपको प्यार दे नहीं पाए, कोई और देता है तो उससे जलना क्या, अच्छा है कि कोई आपको प्यार दे क्योंकि आप प्यार डिज़र्व करते हो, ये नहीं दे पाए तो ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं, इसीलिए ये अपनी एनर्जी को चेंज करने, अपने को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ आगे जा रहे हैं। और मैं देखती हूँ इनके क्या थॉट्स हैं।
डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी। अब इन्हें आपकी क्रिटिसाइज बर्दाश्त नहीं है। कोई अगर आपकी क्रिटिसाइज आप इनके सामने आपको क्रिटिसाइज करता होगा तो ये तुरंत दो टूक जवाब लगाते होंगे। ये नहीं सोचते होंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाला गलत सोचता है सोचे, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी निगेटिविटी, आपकी आपको ब्लेमिंग, आपकी क्रिटिसाइज इनको बर्दाश्त नहीं है। लॉ ऑफ कर्म, ये एहसास कर पा रहे हैं कि जो इन्होंने आपके साथ किया वही इन्होंने पाया, कि कर्मों का फल यही था कि मैंने मेरे प्यार को टाइम नहीं दिया, मेरा प्यार इंतजार करता रहा, तरसता रहा, अब वही मेरी ज़िंदगी में आ गया कि मैं अब तरस रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इंतज़ार कराया है तो मेरे नसीब में भी इंतज़ार ही रहेगा। फ्लो विद द रिदम, कहीं ना कहीं ईश्वर को इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि ईश्वर तुम जो करोगे वो अच्छा करोगे। तो अपना रिश्ता इन्होंने ईश्वर के चरणों में रख दिया कि ईश्वर इस रिश्ते को आप ही संभालिए। शेयर योर वोटीज, अपने दिल की बातें आपसे कहना चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे हैं, तो ईश्वर से कह रहे हैं कि ईश्वर मेरा दर्द, मेरे दर्द से मुझे तुम ही निकालोगे। सिलेक्शन, ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर मुझे अपने, मैं वैसे तो किसी काबिल हूँ नहीं, लेकिन कोई ऐसी कृपा करो कि मैं तुम्हारी भक्ति करने के काबिल हो जाऊँ, तुम्हारी तरफ बढ़ने के काबिल हो जाऊँ, और मेरा पर्सन मुझे सेलेक्ट कर ले, मैं मुझ में ऐसे चेंज ला दो जिससे मेरा पर्सन मुझे एक्सेप्ट कर ले। इस तरह की बातें ये कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं। बिलीव, इन्हें विश्वास है कि इनकी प्रे सुनी जाएगी, ईश्वर इनकी प्रे सुनेंगे और आपसे इनका रिश्ता मेंटेन होगा। एक उम्मीद इन्होंने ये बना भी रखी है। होपलेस तो ये हो रहे हैं, लेकिन एक सोल होती ना, सोल कॉल करती रहती है ना, तो सोल इनकी इन्हें कॉल कर रही है कि सब ठीक होगा, बिलीव रखो, विश्वास करो सब ठीक होगा। लेकिन वही है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना लॉजिकल माइंड और सोल में, तो सोल इनको कह रही है कि तुम ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारा रिश्ता सब ठीक होगा, सब डिवाइन ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सेलेक्ट करके रखा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन लॉजिकल माइंड तो ये कह रहा है कि तुम कि रिश्ता ख़राब हो चुका है, तुम इन्होंने ऐसी गलतियाँ कर दी हैं। तो जो इस नेगेटिव एनर्जी, जो होपलेस की एनर्जी है इनकी, उससे आप इनको निकालिए, टेलीपैथी से इनको हील कीजिए, तो ये आपकी तरफ ही आएंगे। ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए, क्योंकि ईश्वर इन्हें सही राह दिखाएंगे। लेकिन आपको भी इन्हें हीलिंग भेजनी चाहिए, आप इनको हीलिंग भेजिए ताकि ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होकर ये आ जाएं आपकी तरफ, ये होपलेस की एनर्जी से निकल जाएं, इस दलदल से, वो ये निराशा के दलदल से इनको आपको निकालना है। ईश्वर से आपको प्रे करनी है, ये ज़रूर इस दलदल से निकल जाएंगे और आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट ज़रूर 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 डालना है।